अवतार 2 में भी कर्नल ही हमें मेन विलन की रोल में नजर आया। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अवतार 1 के एंड में नैतिरी ने कर्नल के सीने में 2 तीर मार कर उसे मौत के घाट उतारा था, फिर कर्नल आखिर वापस जिंदा कैसे हुआ? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वॉचिंग सिनेमैटिक विश्वा। तो दरअसल पार्ट 1 की एंड में कर्नल और उसकी टीम नावी लोगों पर हमला करने वाली होती है, तो उनके हाई कमांड ने एक बैकअप तैयार किया होता है जिसमें वो लोग कर्नल के डीएनए को नावीज के डीएनए के साथ मिलाकर एक बॉडी तैयार करते हैं, यानी कि एक तरीके से कर्नल का क्लोन। और कर्नल के दिमाग का पूरा डेटा यानी कि उसकी सभी यादें, उसकी पर्सनालिटी को भी एक चिप में स्टोर किया होता है, ताकि अगर जंग के दौरान कर्नल की मौत भी हो जाए तो वो उसे वापस जिंदा कर सकेंगे। और साथ में जंग पर जाने से पहले उससे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाते हैं जिसकी मदद से कर्नल अपने नेक्स्ट बॉडी के लिए मैसेज छोड़ जाता है कि मेरी यादें तुम्हें एक ढांसु पर्सनालिटी देगी और तुम्हारे अंदर एक बदले की आग भड़केगी जो सिर्फ जेक सीरी के मौत से ही बुझेगी। और वो आखिर में ये भी कहता है कि एक चीज़ तुम्हें याद नहीं होगी, वो है तुम्हारी मौत, क्योंकि वो कभी होगी ही नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि कर्नल कभी नहीं मरेगा।